अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हमीरपुर इकाई के द्वारा कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया गया। ये धरना प्रदर्शन विद्यार्थी परिषद द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला अध्यक्ष सचिन लगवाल ने बताया कि विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक मांगों पर कोई विचार प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया गया है, जिसके चलते आज धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी प्रमुख मांगे आउटसोर्सिंग नीति को समाप्त कर उपयुक्त प्रक्रिया अपनाकर विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरा जाए, केंद्रीय विश्वविद्यालय का जल्द शिलान्यास, अस्थायी परिसरों में मूलभूत सुविधाएं देने, नियामक आयोग और निजी विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार एवं शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक लगाने, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और बागवानी विश्वविद्यालय नौणी में छात्रों से ली जा रही अत्यधिक फीस कम करने, नियमों के विरुद्ध काम कर रहे नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त करने, छात्रवृत्ति घोटाले की जाँच सीबीआई से जल्द शुरू करवाने, प्रदेश विश्वविद्यालय में अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति देने, छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की जा रही है। सभी मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की मांग भी विद्यार्थी परिषद ने उठाई है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी परिषद सरकार से मांग करता है कि सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगा। भी इकाइयां हैं, प्रत्येक कॉलेज में इकाई स्तर पर एक धरना प्रदर्शन प्रदेश सरकार के खिलाफ किया गया है, प्रदेश सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ किया गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि 2 तारीख को प्रत्येक जिला केंद्र से एक ज्ञापन जो था डीसी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को गया था, लेकिन शिक्षा मंत्री ने उस पर कोई भी गौर वहाँ पे नहीं फरमाया, ना उसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी। विद्यार्थी परिषद ने उसके बाद प्रत्येक जिला केंद्र में प्रदर्शन किया था और आज 8 तारीख को प्रत्येक कॉलेज में हिमाचल प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये हमारा उन्हीं मांगों को लेकर हो रहा है। विद्यार्थी परिषद की मांग है ऋषि व नौणी विश्वविद्यालय में से जल्दी जो भारी फीस वृद्धि है उसको वापस लिया जाए, एसटीयू चुनावों को बहाल किया जाए तथा जो हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारा है उसको जल्दी से जल्दी उसका शिलान्यास किया जाए और उसको उसका स्थायी भवन जल्दी से जल्दी वहाँ पे बनना चाहिए। और एक और बात, हमने एम्स का जो हमारा बिलासपुर बना उसका स्वागत किया था, लेकिन विद्यार्थी परिषद ये बात भूली नहीं है कि हम आज भी देखते हैं तो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी हालत अभी भी दुरुस्त नहीं है, उनकी बहुत खस्ता हालत है। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है जल्दी से जल्दी उनके आधारभूत ढांचे को भी सुदृढ़ किया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अगर इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद इससे भी उग्र होकर अब सड़कों पर आंदोलन करेगी और चक्का जाम करने से भी नहीं उतराएगी।